नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। कान्हा जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। तो देखिए, आज मैं ये फ्लोवर लेकर आई हूँ और ये मल्टीपल पर्पज़ के फ्लोवर हैं। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, जर्सी या शाल वगैरह पर, और कान्हा जी की ड्रेस पर अगर ये लग जाएँ तो चार चांद लग जाते हैं ड्रेस पर। तो देखिए कितने प्यारे फूल बने हुए हैं, और इनमें इन्हें बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये स्काई ब्लू कलर की इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नोट लगाते हुए सात चैन बना लेंगे और अपने लूप को थोड़ा लंबा करेंगे। अब हमें यहाँ पर पांच धागे लेकर एक इस तरह का एक पफ बनाना है। तो जैसे ये बना हुआ है बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो पांच बार हम धागा ले लेंगे यहाँ पर, एक पांच, पफ को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से अब यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और फिर से धागे को थोड़ा लंबा करेंगे। उसके बाद पहले हमने पफ में यहाँ पर पांच धागे लिए थे, अब हमें यहाँ पर पफ बनाना है। उसके लिए हमें यहाँ पर सेवन धागे लेने हैं। तो एक मेरे क्रोसिए में है और इसके बाद अभी मैं सेवन यहाँ पर स्टिच ले लूँगी इस तरीके से। तो ये मैंने सेवन बार धागा ले लिया है। अब देखिए कैसे बनाना है। हमें पफ नहीं बनाना है क्योंकि हमें इस तरह का पफ नहीं बनाना है। ये दो दो धागे लेके हमें इसको बनाना है। तो देखिए पहले धागा लेंगे क्रोसिए हुक में और इसमें से दो धागे निकाल देंगे, फिर चैन कंप्लीट कर लेंगे अपनी। फिर से दो धागे लेंगे और इसके अंदर ले जाते हुए चैन बनाएंगे इस तरीके से। फिर से दो धागे, इसी तरीके से ये सारा कंप्लीट करना है दो दो के साथ। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, और ये जो हमें ये धागे दिख रहे हैं ना, एक एक ऊपर उभरे हुए, इसमें हमें इसको ज्वाइन करना है इस तरीके से। इसमें ज्वाइन कर देंगे बिना धागा लिए इस तरीके से, और फिर जो नेक्स्ट है उसमें भी इसी तरीके से ज्वाइन कर देंगे बिना धागा लिए। ये सभी में हमें ऐसे ही बनाना है इस तरीके से। ये हमारे फूल की एक पत्ती तैयार हो गई है, जैसे ये वाली है ना एक पत्ती, तो उस तरीके से। अब देखिए दूसरी पत्ती हम कैसे बनाएंगे। क्रोशिया हुक में धागे को रखेंगे और नीचे से हमें पांच धागे उठाने हैं। जैसे ये वाला पफ बनाया था सेम ऐसे ही बनाना है, ऐसे उठा लेंगे। तो ये मैंने पांच बार धागे उठा लिए हैं, इस पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। ये हमारी पत्ती भी ज्वाइन हो जाएगी। फिर से सेवन बार लेना है और इस तरीके से बनाना है। तो मैं ये फूल आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैं लास्ट वाली पत्ती पे हूँ और इसको अब जब देखिए कहाँ पे ज्वाइन करना है। ये जो हमने सबसे पहले अपनी पत्ती बनाई थी उसमें हमें इसको ज्वाइन करना है यहाँ पर। ये देखिए ये जो धागा है यहाँ पर, ये जो वाली ये जो चैन है ना, इसमें हम इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के द्वारा। देखिए इस तरीके से, और एक चैन लेते हुए धागा कट कर देंगे। देखिए कितना प्यारा फूल तैयार हो गया है, और कितनी जल्दी लग रहा है ना प्यारा। एक स्टोन आप यहाँ पे लगा लें, स्टोन हो आपके पास या कोई मोती तो वो आप लगा लें, और इस धागे को हम पीछे हाइड कर देंगे। तो देखिए हमारा फूल कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए आप इसको जोड़ के साल भी बना सकते हैं या मफलर वगैरह बना सकते हैं, और किसी भी ड्रेस पे जर्सी वगैरह पे इसको लगा सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये। और थालपोश भी इस तरीके से
जोड़ जोड़ के और काफ़ी सारे फ्लोवर बना के आप इसका थालपोस भी बना सकते हैं। अब हम दूसरा फूल बनाएंगे, ये वाला। तो सबसे पहले ना हम अंगूठे पे 15 बार इसको लपेट लेंगे। तो 15 राउंड हमें अंगूठे पे लेने हैं, तो मैं 15 राउंड लेकर आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे 15 राउंड हो गए हैं, अब इसको निकाल देंगे और पकड़ के रखेंगे। तो देखिए ये जो हमारे राउंड हैं उसके अंदर हमें अभी वर्क करना है। तो देखिए क्रोशिया हुक को इसके अंदर डालेंगे और ये जो हमारा धागा है उसको अंदर लेते हुए इस तरीके से हमें बनाना है, पूरे राउंड में ऐसे ही बनाना है। इस सर्कल के अंदर इस तरीके से बनाते जाएंगे बिना धागा लिए, जैसे सिंगल क्रोशिया। तो ये पूरा राउंड हमें ऐसे ही बनाना है बिना धागा लिए इस तरीके से। तो ये राउंड मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और ये जो हमारी चैन है ना इसमें हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से और अपना धागे को कट कर देंगे। और एक अब नॉट लगाएंगे। और ये जो हमने सर्कल बनाया है उसमें इस तरीके से ये जो नॉट है हमारे क्रोशिया हुक में इस तरीके से अंदर की साइड डालते हुए इस तरीके से एक चैन बना लेंगे इसके अंदर सर्कल के, और लूप को थोड़ा लंबा करेंगे। अब हमें यहाँ पर 10 बार धागा लेना है इस सर्कल के अंदर, जैसे पफ के लिए हम लोग लेते हैं ना, बस वैसे ही लेना है। तो धागा मैंने अपना लंबा कर लिया है और अब मैं 10 बार इस सर्कल के अंदर इस तरीके से इसको ले लूँगी। तो ये मैंने 10 बार ले लिया है और इसको अब इसको हम कंप्लीट कर देंगे। जिस तरह से पफ करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, और एक चैन लेते हुए धागा कट कर देंगे। और शुरू में जो हमने नोट लगाई थी तो हमें वहाँ पर अपना थोड़ा धागा लंबा रखना है। अब हम इन दोनों धागों से एक नोट और लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और फिर इस धागे को पीछे कर देंगे हाइड, पीछे की साइड हाइड कर देना है। तो इस तरीके से हमें अपनी सारी पत्ती तैयार कर लेनी है। तो एक फूल में 6 पत्तियां हैं, तो मैं इस तरीके से सारी पत्तियां अपनी तैयार करके आपको दिखाती हूँ फिर कैसे फूल को ज्वाइन करना है। तो चलिए कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 6 पत्ती अपनी रेडी कर ली हैं और इनको कैसे ज्वाइन करना है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो मैंने ये सुई धागा ले लिया है और ये जो लीफ है यहाँ पर, ये जो पत्ती है, इस तरीके से हम सभी को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला फूल भी हमारा तैयार हो गया है और आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जर्सी में, स्वेटर में और सोल वगैरह में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इन वाले फ्लावर से तो आप कान्हा जी की ड्रेस भी बना सकते हैं। अगर आपको से अब मैं कान्हा जी की ड्रेस की वीडियो आपके लिए लाऊं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए ये वाली वीडियो भी बनाऊंगी। और इस वाले फ्लोवर के लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो फिर मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसमें 2 फूल बनाए हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।